आयशा सिंह के रेडियो वाले इंटरव्यू के बाद वो ट्रेंड पे हैं, आपको बता दूं लगातार ट्रेंडिंग में है आयशा सिंह, यानी कि आप सबकी फेवरेट साई जोशी। जी हाँ, आयशा सिंह आपको बता दूं बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों के पे राज करती हैं, जैसा कि हमने कल वाले इंटरव्यू में भी देखा। यू नो, जो उनका आरजे आकृति के साथ इंटरव्यू हुआ, उसमें भी जो कॉल्स आए फैंस के, और यू नो एक के बाद एक कॉल्स जब आयशा ने अटेंड किए, और जिस तरीके से फैंस ने आयशा से बात की, जिस प्यार से उन्होंने आयशा ने उनको जवाब दिया, या फिर आयशा ने जितने प्यार से इंटरेक्ट किया, देखिए वो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। यू नो, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ वो सब नहीं कर पाते हैं जो आयशा सिंह यानी कि सई जोशी आप सबकी फेवरेट कर लेती हैं। यू नो, कल इंटरव्यू जब हुआ उनका, तो उस इंटरव्यू के दौरान एक के बाद एक कॉल्स ऐसे आए जैसे यू नो जब इमरजेंसी में हम किसी को कॉल करते हैं, यू नो कि इमरजेंसी है, कॉल है, और अगर हम नहीं करेंगे तो आई डोंट नो क्या हो जाएगा। यू नो, वैसे ही फैंस ने कल आयशा को कॉल किया। आयशा ने उसी प्यार से, यू नो, उतने ही रिस्पेक्ट से, उतनी ही इज्जत से सभी फैंस का जवाब दिया, जितने भी फैंस के साथ उनकी कॉल पर बात हुई। आपको बता दूँ, इस इंटरव्यू के बाद से आयशा सिंह ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन पर चल रही हैं। जी हाँ, आयशा सिंह को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यही कारण है कि इस इंटरव्यू में के दौरान भी एक के बाद एक कॉल्स आई, इतनी कॉल्स आई कि यू नो आरजे आकृति को ये बोलना पड़ा कि यू नो इससे पहले आमिर खान के लिए, द लेजेंड आमिर खान के लिए ही इतने कॉल्स आए थे, और यू नो उसके बाद सीधा आयशा के लिए इतने कॉल्स आ रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आयशा सिंह थोड़ा सा हंसती हैं, यू नो थोड़ा सा शर्माती हैं, और फिर फैंस का शुक्रिया अदा करती हैं, आरजे आकृति का शुक्रिया अदा करती हैं, और यू नो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही एक हम्बल वे में, एक बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छे वे में, उसको पॉजिटिव वे में लेती हैं, और यू नो स्माइल करके यू नो अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा करती हैं आयशा सिंह। आपको बता दूं, आयशा फ़िलहाल ब्रेक पर चल रही हैं, गुम है किसी के प्यार में को क्विट करने के बाद फ़िलहाल आयशा एक अच्छा ब्रेक चाहती हैं, यू नो क्योंकि काफ़ी टाइम से वो शो में काम कर रही थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, फैंस नहीं चाहते कि वो लंबा ब्रेक लें, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें आयशा जो है वो कहीं किसी प्रोजेक्ट में नज़र आए। हालांकि नागिन 7 के रूमर्स को उन्होंने खुद ही यू नो साफ कर दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नागिन 7 में अभी फ़िलहाल मैं काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस इंटरव्यू से बवाल मचा हुआ है। आयशा ने जब से ये इंटरव्यू दिया है, तब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आयशा के यू नो फैंस की वजह से आयशा को बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करवा रहे हैं उनके फैंस। बहरहाल, आपको कैसी लगती हैं आयशा, और आपको उनकी क्या एक ऐसी चीज़ है, यू नो क्या एक ऐसी बात है जो आपको आयशा सिंह का फ़ैन बना देती है? प्लीज